नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में चल रहे श्री राम कथा में पहुंचकर श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया एवं अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वही आपको बता दें, जगतगुरु रामभद्राचार्य की रामकथा का मंगलवार को समापन हुआ। इस रामकथा के समापन में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ पहुंचे। सीएम की मौजूदगी में रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं वरिष्ठ कुल का वेदज्ञ ब्राह्मण हूं, मैं राम जी से सिर्फ यही मांग कर रहा हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए और जो 800 वर्ग मील जमीन चीन ने हत्या रखी है वो वापस मिल जाए, हमारा भारत अखंड हो जाए। राम जी से मेरी यही दक्षिणा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जगतगुरु ने सीएम से भोपाल का नाम भोजपाल करने की बात भी दोहराई। वहीं सीएम के संबोधन खत्म होने के बाद पब्लिक की ओर से नारेबाजी शुरू हुई। के नाम बदलने पर सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रस्ताव भेजा जाएगा, आप जानते हो कि ये मैं अकेला नहीं कर सकता। यह सुनकर रामभद्राचार्य ने कहा कि भोपाल भोजपाल होकर रहेगा, आप चिंता ना करो। इसी प्रकार भोपाल को भोजपाल बनाने का भी यत्न कर लीजिए। प्रस्ताव भेजा जाएगा, आप जानते हो अकेला मैं नहीं कर सकता। प्रस्ताव भेजेंगे, अब हो जाएगा भोपाल, भोपाल भोजपाल होकर रहेगा, आप चिंता मत करो। आप लोग और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।